ये मेरी एक किस्मत है। बेड़ी दा मला कल फिर ते पागे। अस्सलाम वालेकुम नादरी, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। बड़ी ही जबरदस्त मालूमात लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं और तुहानू ये दसण की कोशिश करांगा कि अदायबकार यूनस मलिक ने जदों अंजमन दे नाल उन्हां दी टसलबाजी हुई तो इस टसलबाजी या जिदबाजी के नतीजे इंडस्ट्री नू अदायबकार यूनस मलिक ने किहड़ियां दो नवीं लड़कियां दित्तियां और उन्हां लड़कियां ने इंडस्ट्री दे उत्ते राज कीता। उन्हां दोवां लड़कियां दे विचों एक लड़की नू कतल कर दिता गया और एक लड़की अजे तक हयात है और जिंदा है। 1986 की गल है जदों अदायबकार यूनस मलिक ने एक पंजाबी फिल्म बनाने का फैसला किया। अदायबकार यूनस मलिक इस तो पहले तुहानू पता है कि शोरा फाक फिल्म मौला जट और इस जैसिया लातादाद फिल्मां बना चुके सन और किसी भी एक्टर नू और किसी भी हीरे नू तराशना उन्हां वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं सी। उन्होंने इस फिल्म के अंदर अंजमन नू कास्ट करने की कोशिश की थी लेकिन चूंकि उन्हां दी अंजमन दे नाल टसलबाजी चल रही सी और उस दौर अंजमन तो इलावा फिल्म बनाना मौत सी और सरमाया डुबण का खतरा होंदा सी। इस वास्ते हर अदायबकार की एक कोशिश होंदी सी कि अंजमन सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी नू फिल्म कास्ट करके प्रॉफिट कमाया जाए या फिल्म नू हिट किया जाए। आखिरी जंग के अंदर सुल्तान रही मौजूद सी और अंजमन नहीं सी और अंजमन नू पता सी कि मेरे बगैर कोई फिल्म नहीं बना सकता। अदायबकार ने दो नवीं लड़कियां नू इस फिल्म के अंदर मुतारिफ कराया और यह फिल्म अपने दौर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कहानी भी बड़ी जबरदस्त सी। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर होए और दो हीरोइनां जिहड़ियां उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाईयां वह भी बहुत हिट और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। और नादरीन इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक नवा भी तजर्बा किया। उन्हां दोवां लड़कियां तो इलावा एक मैन उन्होंने विलन लिता है जिहड़ा मुस्तफा कुरैशी की जगह ले सकता सी। इस फिल्म के अंदर उन्होंने जड़िया दो नवी लड़कियां नू चांस दिता उसका नाम सी नीली और नादरा। बचांदा ते अज मैं बर्बाद हो जाना सी। और थोड़ी देर बाद तैनू खाना नसीब नहीं होना। दसो और जिहड़े मेन विलन नू उन्होंने चांस दिता उसका नाम सी अनवर खान। उस बोलन तो पहले इना सोच लई मेरा नाम। अनवर खान ने इस फिल्म के अंदर बड़ा ही अच्छा काम किया और साबित किया कि आने वाले दौर विच अनवर खान एक बहुत सुपरहिट और पावरफुल विलन बन सकता है और अंजमन ने अपने टसलबाजी की वजह तो एक बहुत अच्छी फिल्म छोड़ दिती और मुस्तफा कुरैशी ने जदों देखे कि अनवर खान में इतनी सलाहित हैं कि वह मुस्तफा कुरैशी की जगह ले सकता है तो उन्होंने जेडे उन्होंने मामलात यूनस मलिक के नाल खराब सन उन्होंने मामलात नू फौरन ठीक किया और इस तो बाद अनवर खान जेड़ा कि बहुत जल्दी उभर के सामने आ रहा सी वह बैक फुट ते चला गया और दूसरे या तीसरे दर्जे का विलन बन गया। नादरीन वो दो हीरोइनां काफी अरसा उन्होंने राज किया और अंजमन अपने टसलबाजी या जिदबाजी की वजह तो एक अच्छी फिल्म तो महरूम हो गई। नाजरीन अगर तुम मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल नू लाइक करो, सब्सक्राइब करो तो शेयर करो तो नेक्स्ट वीडियो तक रब राखा।